जब भी बात पूरी दुनिया में इंसानों के रोजमर्रा के खाने की आती है तो उसमें प्रोटीन फाइबर की बहुत जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करता है दुनिया भर में पैदा होने वाला गेहूं। अब चूंकि गेहूं ऐसी चीज है जिसे डायरेक्टली तो इंसान खा नहीं सकता, इसीलिए हम इसे गेहूं को पहले आटे में तब्दील करके फिर उसे अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से रोटी, ब्रेड, डबल रोटी के तौर पर डेली इस्तेमाल में लाते हैं। क्योंकि रोटी बनाने के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन दुनिया भर में खाए जाने वाले ब्रेड के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर ये ब्रेड बनता कैसे है। इसलिए आज हम आपको खेत के गेहूं से किचन तक पैकेट में आने वाले ब्रेड के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए आपको ये तो पता होगा कि गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गेहूं के बाद आटे का भी अपना प्रोसेस होता है। तो आपको बता दें कि ब्रेड बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिनमें ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड आता है। अगर हमें ब्राउन ब्रेड बनाना होता है तो गेहूं के आटे के साथ ही साथ इसमें मैदा को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें आने वाले ब्राउन रंग के लिए उसमें कैरेमल यानी चीनी को ब्राउन करके इस्तेमाल करते हैं। दूसरा व्हाइट ब्रेड होता है जो सिर्फ और सिर्फ आटे से बनाया जाता है, जिसमें मैदा का इस्तेमाल नहीं होता। अब ये तो पता चल गया कि कौन सा आटा किस ब्रेड में इस्तेमाल हो रहा है। अब आइए आटे को लेकर चलते हैं फैक्ट्री में ब्रेड बनाने। सबसे पहले बड़े बड़े ट्रकों में गेहूं को उस मिल तक पहुंचाते हैं जहां पर उसे कंपनी की तरफ से दी जाने वाली गाइडलाइन के हिसाब से पीस लेते हैं। इसके बाद इसे तैयार आटे और मैदा को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर दोबारा ब्रेड फैक्ट्री के मेन बिल्डिंग में ले जाते हैं, जहां बोरी से सारे आटे को बड़े बड़े कंटेनर में डाल देते हैं, जिसमें आटे के साथ यीस्ट को भी मिलाकर रख दिया जाता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें यीस्ट आटे के साथ मिलकर उसे फर्मेंट करता रहता है। ये फर्मेंटेशन क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रेड बनाने के लिए आटे का स्पंजी होना जरूरी होता है। आटे को फुलाने के लिए इस यीस्ट का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाद में ये स्पंजी और फूले हुए बनते हैं। और जो यीस्ट ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं। यीस्ट के साथ ही साथ आटे में गर्म पानी, नमक, शक्कर को एक साथ मिला दिया जाता है, जिसके बाद एक घूमते हुए मशीन में आटे और यीस्ट के मिक्सचर को डालकर करीब 8 मिनट तक मिलाते रहते हैं, जिससे आटा अच्छे से गूंध जाता है। अब इसके बाद गूंधे हुए आटे को अलग कंटेनर में निकाल कर रख लिया जाता है, जहां से ये आटा एक ऐसी मशीन से गुजरता है जिसमें ये एक तय वजन में कटते जाते हैं, जिससे लगभग गोल शेप में इन्हें अलग अलग करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। आगे के प्रोसेस में भेजने के लिए इन्हें एक कॉनिकल मशीन से भेजा जाता है, जहां आटे के वो छोटे छोटे हिस्से को कन्वेयर बेल्ट की तरफ भेज दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर आगे जाने से पहले ही एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, जहां इन छोटे छोटे आटे के हिस्सों को गुजारा जाता है। ये प्लेटफॉर्म एक तरह से रीचेकिंग का काम करता है। जब एक हिस्सा उस प्लेटफॉर्म पर जाता है और वो तय वजन से कम या ज्यादा हो तो वो प्लेटफॉर्म अपने आप खुल जाता है और वो छोटा सा हिस्सा नीचे के कॉनिकल कंटेनर बॉक्स में गिर जाता है, जो वापस से कटने के लिए या उसमें वजन बढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। जो आटे का टुकड़ा परफेक्ट वजन का होता है वो आगे कन्वेयर बेल्ट पर जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट पर इन टुकड़ों पर पहले तो सूखे हुए आटे को छिड़का जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोटियां बेलने से पहले आटे के टुकड़े पर सूखा आटा हम लगाते हैं, जिसका कारण साफ है कि वो कन्वेयर बेल्ट पर चिपक ना जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक टुकड़े के चिपकने से पूरी लाइन का प्रोसेस खराब हो जाएगा। अब सूखे हुए आटे को छिड़कने के बाद इन टुकड़ों को प्रेशर लगाकर थोड़ा थोड़ा दबा दिया जाता है, जिससे वो अपने लगभग गोल शेप से हल्के से ईंट के शेप में आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें फिर से एक ऐसे लोहे के पर्दे से गुजारा जाता है जिससे वो राउंड शेप में हो जाते हैं। राउंड शेप में होते ही इन्हें मोल्डिंग बॉक्सेस में डाल देते हैं। मोल्डिंग बॉक्स में डालने के बाद इन्हें हीट करने के लिए 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर पर करीब 20 मिनट तक पकाया जाता है। इस टेम्परेचर की वजह से और आटे में मिले यीस्ट की वजह से ये मोल्ड से स्पंजी ब्रेड का रूप ले लेते हैं, जिन्हें करीब 20 मिनट के बाद हीटिंग प्लेस से निकाल कर उसे कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर डालने का एक ही मकसद होता है कि इन्हें थोड़ी देर ठंडी जगह में घुमा कर ठंडा किया जा सके। अब ब्रेड जब ठंडा हो जाता है तो उसे उसी कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक दूसरे प्लेटफॉर्म से होकर गुजारा जाता है, जिनमें बहुत शार्प ब्लेड लगे होते हैं, जिनसे होकर गुजरते ही बड़ा सा ईंट के जैसा दिखने वाला ब्रेड पतले पतले स्लाइसेस में बट जाता है, जो अलग होकर बिखरे ना, इसका भी ध्यान रखा जाता है। जिसके बाद इन ताज़ा कटे ब्रेड की पैकिंग की बारी आती है।
पैकिंग करने के लिए इन्हें एक रिसाइक्लेबल पॉलिथीन में भरा जाता है। ब्रेड की पैकिंग जिस पॉलिथीन में की जाती है, सबसे पहले उस पर ब्रांड लोगो और मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ एक्सपायरी डेट को मेंशन किया जाता है, जिसमें ब्रेड के सारे न्यूट्रिशंस के बारे में भी अच्छे से लिखा होता है। पॉलिथीन को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि कटे हुए ब्रेड सीधा उसमें पैक हो जाए। पैकिंग के बाद इन ब्रेड्स को छोटे छोटे प्लास्टिक बॉक्सेस में रख कर ट्रकों में लोड कर दिया जाता है और सुबह सबकी आँख खुलने से पहले ही इन ब्रेड को हर दुकान, हर सुपरमार्केट तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उसमें फैक्ट्री का नहीं बल्कि आपका रोल होता है। तो दोस्तों, ये था फैक्ट्री में ब्रेड बनाने का पूरा प्रोसेस। आप अपने घर में कौन सी कंपनी का ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप आगे किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।